हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। अज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रियल नंबर्स बारे। ये अपना पहला टॉपिक हैगा ते आपां आने वाले दिनों में सारा दसवीं क्लास का सिलेबस, मैथ का सिलेबस इत्थे कवर करांगे। रियल नंबर्स बारे आप पिछलियां क्लासों में पढ़ चुके हैंगे। तुसीं नंबर लाइन बारे भी सुनिया होगा। नंबर लाइन के उपर किसी भी पॉइंट के उपर जो तुसीं टच करोगे तो उत्थे जो भी नंबर होगा वो रियल नंबर होगा। रियल नंबरस सारे नैचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नैगेटिव नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, अरैशनल, ईवन, ऑड, इन सारे नंबर के कंबीनेशन नू रियल नंबरस कहा जाता है। प्लस वन दे विच तुसीं एक होर नंबर पढ़ोगे, कंपलैक्स नंबर, वो इन्ना थोड़ा हटकेगा। जो अपने इदा के नंबर होंगे ने जिदा स्केयर रूट के अंदर कोई नैगेटिव नंबर आ जाए तो आप इमेजनरी नंबर मान देंगे, क्योंकि इदा नंबर आप हाल तक दसवीं क्लास के कित भी डील नहीं करा। प्लस वन के इस नंबर को आप इमेजनरी नंबर का नाम देवे। रियल नंबर तो इमेजनरी नंबर जोड़ के जो नंबर बनेगा वह बन गए कंपलैक्स नंबर। तो अज इस टॉपिक के आप दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ने जो रियल नंबर दी डिस्कस करा। पहली प्रॉपर्टी का नाम आ यूक्लिड डिवीजन एलगोरिथम, तो दूजी प्रॉपर्टी आ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। यूक्लिड एलगोरिथम मैथड की कहता गा, वो कहना भी जो आप एक नंबर को दूजे नंबर के नाल डिवाइड कर देंगे तो जो रिमेंडर बचता ज बाकी बचता गा वो जिस नाल डिवाइड कर रहे हैं उस तो हमेशा घट आएगा, उस तो हमेशा छोटा आएगा। उदाहरण के लिए जो आप किसी नंबर को दो नाल डिवाइड कर देंगे तो अपना जो रिमेंडर जीरो आएगा ज एक आएगा, क्योंकि जो आप डिवाइड करते हैं तो रिमेंडर हमेशा उस नंबर तो छोटा होंगे जिद आप डिवाइड कर रहे हैं। जे आप तीन डिवाइड करा तो रिमेंडर जीरो आएगा, एक आएगा ज दो आएगा। जे आप डिवाइड कर रहे हैं तो आएगा जीरो, एक, दो, तीन ज चार। जोड़ा यूक्लिड मैथड है वो कहदे यूज किया जाता गा, वो किस दो नंबर या दो तो वध नंबर का एच सी एफ फाइंड करने एल सी एम फाइंड करने यूज किया जाता। दूसरे नंबर पर जी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वह रिलेशन किसी हद तक नंबरस की मल्टीप्लीकेशन के नाल होंगे। आप कोई भी कंपोजिट नंबर जोड़ा वो एक्सप्रैस कर सकते हैं दो या दो तो वध प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म। इस थियोरम को आप यूज कर देंगे नंबरस की अरैशनलिटी प्रूव करने के लिए, कोई डैशमल एक्सपेंशन वो टर्मीनेटिव होगी या नॉन टर्मीनेटिव होगी ये प्रूव करने के लिए। आप सॉल्व करते हैं थोड़ी जो प्रॉब्लम जी बेस्ड ऑन यूक्लिड मैथड पेपर के आ रही है। तो इस मैथड को आप किस तरीके यूज करना गा एच सी एफ एल सी एम फाइंड करने के लिए। पहली प्रॉब्लम आप डिस्कस करते हैं यूज यूक्लिड एलगोरिथम टू फाइंड एच सी एफ ऑफ 455 एंड 42। इस प्रॉब्लम सॉल्व करने तो पहला आप एक छोटा जि बेसिक फॉर्मा देख लीए भी आप यूक्लिड मैथड के नाल किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन किवें रिप्रजेंट कर सकते। एक छोटी एग्जाम्पल ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 25 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो अपना 25 4 से डिवाइड करके 6 है कोशेंट तो अपना रिमाइंडर है 1। तो आप 25 रीप्रजेंट कर सकते हैं 4 × 6 + 1, मीन कि आप कोई भी नंबर रीप्रजेंट कर सकते हैं a = b × q + r। जो इतने ए हैगा ए है डिविडेंट जिस नंबर को अपना डिवाइस डिवाइड करने का, जो बी है अपना वो नंबर है जिस आप डिवाइड करना डिवाइस रहे, जो ये क्यू है ये अपना है कोशेंट जो अपना मल्टीपल आ रहा है, ये आर अपना है रिमाइंडर जिन्ना बाकी बच रहेगा। आप किसी भी नंबर इस तरीके रीप्रजेंट कर सकते हैं a = bq + r, जिहड़ा यह रिमाइंडर हैगा ये ऑलवेज लैस दैन बी। ये आप पहला पढ़ के कह रहे हैं जिहड़ा अपना आर हैगा वो ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो एंड लैस दैन बी। इहदा मीनिंग की हैगा भी जिस नंबर आप डिवाइड कर रहे हैं जिहड़ा अपना रिमाइंडर हमेशा उसको घट आएगा। जिवें आप इत्थे इस बार 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर अपना की आ सकता जी 0, 1, 2 और 3, तो रिमाइंडर अपना बचा एक, यहाँ पर डिवाइड किया वो सही किया।
हुण आपां ए मैथड यूज करके सॉल्व कर देंगे HCF ऑफ 455 एंड 42। सिंस आपां नूं पता गा जिहड़ा 455 होगा इज ग्रेटर दैन 42, ये 42 तो बड़ा गा। इहदा मीनिंग क्या है, आपां 445 नूं एक्सप्रेस करना गा एज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबरस। जे आपां 455 नूं 42 ते डिवाइड करिए, 455 नूं जे आपां 42 ते डिवाइड करिए तां कोशेंट आ जाना आपणा 10, इत्थे आना 420, रिमाइंडर बच जाना 35। मीन के 445 नूं आपां रीप्रजेंट कर सकते हैं 42 इंटू 10 प्लस 35 उहना रिमाइंडर। जिहड़ा रिमाइंडर आ उह हमेशा डिवाइजर तों घट आएगा अपना। इह आ स्टैप वन, जिस जिन्ना टाइम अपना जिहड़ा रिमाइंडर आ वह जीरो नहीं होगा टिल द टाइम आपको यही प्रोसैस रिपीट करना पड़ेगा। हम नैक्सट टाइम 42 इज ग्रेटर दैन 35, आप 42 35 के टर्म के एक्सप्रैस करा तो आप 42 35 के नाल डिवाइड करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो रिमाइंडर आएगा 7, इतना का रिमाइंडर और डिवाइजर के नाल अपना घटा रहेगा, इसलिए आप सही तरीके एक्सप्रैस कर सकते हैं। 42 नूं आप लिख सकते हैं 35 इंटू 1 प्लस 7 रिमाइंडर। अपना टारगेट है रिमाइंडर नूं जीरो करना, जिन्ना टाइम रिमाइंडर अपना जीरो नहीं होगा उन्ना टाइम अपना HCF या LCM आप नहीं फाइंड कर सकते। तो नैक्सट स्टैप के आप 35 नूं एक्सप्रैस करांगे एज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबरस। हुण आप 35 नूं 7 के उपर डिवाइड करिए ता ए जाना 5 दी टेबल से, ते रिमाइंडर अपना आ जाना 0। तो आप 35 में लिख सकते हैं 7 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर 0। अपना टारगेट सी रिमाइंडर 0 करना, इतने रिमाइंडर 0 हो चुकेगा। इहदा मीनिंग कि जिहड़ा लास्ट डिवाइजर से अपना उस टाइम वह अपना की होगा HCF होगा। क्लीयर। सैकेंड प्रॉब्लम अपनी अगेन यूज यूक्लिड मैथड टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। सिंस 12576 इज ग्रेटर दैन 4052, मीन्स कि आप इनू रखेंगे ए तो इनू रखेंगे आप बी। 12576 में एक्सप्रेस करने के लिए आप डिवाइड करांगे दूसरे नंबर ना 4052। ये अप्रोक्सीमेट जो आप चार करके देखिए तो 4 × 4 16000 बने, तो आपको पता ही 3 ते ही जाऊगा। तो जो क्वेश्चन अपना 3 आएगा तो इन्हें आलमोस्ट 12156 बन सबट्रैक्ट करके अपना बच रहा 420। रिमाइंडर अपना ऑलवेज डिवाइजर तो घट बचतेगा, तो आप 12576 की लिख सकते हैं 4052 इंटू क्वेश्चन 3 प्लस रिमाइंडर 420। अपना टारगेट होंगे रिमाइंडर 0 करना, जिन्ना टाइम रिमाइंडर 0 नहीं होंगे रिमाइंडर डिवाइजर बना दो, तो जो अपना पहला डिवाइजर से आप ए बना दें डिविडेंट बना दें। तो इतने आप 4052 आप एक्सप्रैस कर लगे इस बार एज ए मल्टीपल ऑफ 420। 420 जो आप 10 ना गुणा करिए तो 4200 बनना सी, जो तो बनता कि 4052 जो आप 420 से डिवाइड करा तो यह 9 के टेबल से जाएगा, 9 के टेबल से जाके 3780। दिस टाइम रिमाइंडर इज 272, मीन्स इतने आप एक्सप्रैस कर सकते हैं 4052 एज 420 इंटू 9 प्लस 272 रिमाइंडर। अपना टारगेट रिमाइंडर 0 करना, टेलर टाइम रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, अपना प्रोसेस रिपीट करो 420
आप एक्सप्रेस करते हैं एज ए मल्टीपल ऑफ 272 272 इनटू 1 ये जब आप डिवाइड करेंगे तब बनते ही जाएगा ये रिमाइंडर आ जाना अपना 148 इस बार फिर रिमाइंडर जीरो नहीं होया तो आप इस बार 272 एक्सप्रेस करते हैं एज ए मल्टीपल ऑफ 148 148 भी अपना एक ते ही जाएगा 148 इनटू 1 272 माइनस 148 ये अपना आया 124 अपना रिमाइंडर इस टाइम भी जीरो नहीं होया तो आप हम 148 एक्सप्रेस करेंगे एज ए मल्टीपल ऑफ 124 ये भी अपना एक दी जाना 148 माइनस 124 रिमाइंडर बचना अपना 24 रिमाइंडर अपना इस बार भी जीरो नहीं होया तो आप 124 एक्सप्रेस करेंगे एज ए मल्टीपल ऑफ 24 जब 124 24 से डिवाइड करते हैं तब क्वेश्चन आएगा 5 24 5 जा 120 रिमाइंडर बचना 4 मींस आप 124 नो एक्सप्रेस कर सकते हैं 24 इनटू 5 प्लस रिमाइंडर 4 रिमाइंडर अपना हजे भी जीरो नहीं होया तो आप ये प्रोसेस 4 रिपीट करना पड़ा इस बार 24 नो एक्सप्रेस करेंगे एज ए मल्टीपल ऑफ 4 वी नो दैट 4 6 इज 24 रिमाइंडर विल बी 0 इस टाइम अपना रिमाइंडर जीरो हो गया जिस तो अपना रिमाइंडर जीरो हो जाए उस टाइम से जो अपना डिवाइजर होंगे वो अपना होंगे एस सी एफ मीन के 12,576 एंड 4,052 का एच सी एफ किन्ना है 4 नेक्स्ट प्रॉब्लम शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर इस प्रॉब्लम में जो कह रहे हैं कि तुसी शो करो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म दे विच 4q+1 और 4q+3 दी फॉर्म विच आप रीप्रेजेंट कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करन तो पहला अपन नूं इह पता होना जरूरी है कि ईवन नंबर किहड़े हुंदे नेगे ते ऑड नंबर किहड़े हुंदे नेगे ईवन नंबर जिहड़ा कोई भी नंबर 2 ते जां 2 ते पूरे तरीके नाल डिविजिबल हैगा मीनस रिमाइंडर 0 आउंदा तां ओह ईवन नंबर होवेगा कोई भी नंबर है जो 2 ते डिविजिबल नहीं है मीनस रिमाइंडर 1 आउंदा तो वह नंबर अपना ऑड होएगा अपन पता जो आप 2 ते डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा जो 1 आएगा रिमाइंडर 0 आ रहा तो नंबर ईवन आ रिमाइंडर 1 आ रहा तो नंबर ऑड है हुण इस प्रॉब्लम सॉल्व करन दे लई आपां कोई भी नंबर मान लैने लैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ए उस ए नूं आपां यूक्लिड मैथड के अकॉर्डिंग रीप्रजेंट कर सकते हैं VQ+R की फॉर्म में तो इतने अपन दिता गा कि जो डिवाइजर अपना 4 आ जो डिवाइजर 4 आ तो रिमाइंडर कि हो सकते हैं 0, 1, 2, और 3 तो वो अकॉर्डिंग जो अपने ए की पॉसीबिलिटी ने वो कि बन जाएगी वो बन जाने 4Q+1 या 4Q+2 या 4Q+3 इतने जो 4Q और 4Q+2 ने वो दोनों नंबर 2 से डिविजिबल ने मीनस दोनों ईवन नंबर हो गए तो जो 4Q+1 तो 4Q+3 ने यह 2 से डिविजुअल नहीं है मीनस के ये ऑड हो गए सेंस कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आप रीप्रजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 4Q+1 एंड 4Q+3 प्रॉब्लम नंबर 4 ए स्वीट सैलर हैज़ 420 काजू बर्फीस एंड 130 बदाम बर्फीस सी वॉन्ट्स टू स्टैक दम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर ऑफ बर्फीस दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक टू कवर लीस्ट एरिया इतने एक हलवाई आ 420 काजू बर्फी ने 130 बदाम बर्फी ने वो उन्होंने अपनी ट्रे दे विच इस तरीके नाल रखना चाहती आ ता कि हरेक जिहड़ा स्टैक बना रही हो विच इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज मीनस बराबर गिनती आए तो एरिया घट्ट तो घट्ट कवर हो आप एरिया घट्ट तो घट्ट कवर करवाना तो आपको हरेक स्टैक के मैक्सीम नंबर ऑफ बर्फीज रखनिया पैनगिया मीनस कि आप 420 ते 130 का हाईएसट कॉमन फैक्टर जोड़ा वो फाइंड करना पेगा हाईएसट कॉमन फैक्टर मीनस आप एस सी फाइंड करना पेगा तो अपन यूकलिड एल्गोरिथम के सॉल्व कर देंगे तो इन दो नंबरस का एच सी एफ फाइंड करने जो अपना आंसर आएगा उन्नी नंबर ऑफ बर्फीज यह एक स्टैक के रख सकती है सेंस इतने गिवन है 420 इज ग्रेटर दैन
130 मीन क्या आप 420 नूं एक्सप्रेस करांगे इन दी फॉर्म ऑफ 130 जे आप 420 नूं 130 ते डिवाइड करिए तां इह जाएगा 3 ते 390 एंड रिमाइंडर विल बी 30 अपना रिमाइंडर बचदा 3 तां आप 420 नूं की लिख सकदे हां 130 इनटू 3 प्लस 30 हाले अपना रिमाइंडर 0 नहीं आया मीनिंग कि ये अपना एचसीएफ नहीं हो सकता जिन्ना टाइम एस अपना रिमाइंडर 0 ना आवे आपा ये प्रोसेस रिपीट करना तो अपना हुन 130 एक्सप्रेस करांगे इन द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म ऑफ 30 ते जे आप 130 30 ते डिवाइड करिए तां 4 उपर आएगा 430 जा 120 एंड 10 विल बी द रिमाइंडर इस टाइम अपन लिखने 30 इनटू 4 प्लस 10 इज रिमाइंडर 10 अपना इथे रिमाइंडर बचा हाले भी 0 नहीं होया तां अपन 30 नु एज ए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रिप्रेजेंट करेंगे 10 10 दिया 30 ते रिमाइंडर का अपना 0 रिमाइंडर 0 का इहदा मीनिंग की होगा अपना जिहड़ा 10 आ ओह एचसीएफ हो गया 420 ते 130 दा इसलिए जो स्वीट सैलर आ वह 10-10 स्टैक्स बना के रखेगा दोनों काइंड्स ऑफ बर्फीज ले इन्ना करन दे नाल अपनी एक्सरसाइज 1.1 जी सारी सॉल्व हो गई इस एक्से विच 5 प्रॉब्लम नेगिया जिहड़ी आपां हुण डिस्कस कीते नेगिया इन्हां दे एग्जैक्ट डिटो सेम ही नेगिया फिर भी जे किसी नूं प्रॉब्लम आउंदी है जी तां कमेंट सैक्शन दे विच प्रॉब्लम दी प्रॉब्लम लिख के पा दो आपां उह क्वेरी सैक्शन दे विच सॉल्व करांगे तो अपने फ्रेंड्स नूं दसो कि आप सारा पढ़ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स नूं अगे भेजो शेयर करो जे तुहानूं वीडियो पसंद आई तां कि उन्हां दा ही फायदा हो सके चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लियो तां कि तुहानूं नैक्सट वीडियो दी जिहड़ी नोटिफिकेशन आ वो मिल दिया रहा है।